तक के बज रहे हैं 10 और मैं और कुणाल हो गए रेडी। हम लोग जा रहे हैं अभी शूट पर। अभी हम लोग को एक कैफे में जाना है, मॉर्निंग में 10:30 पहुंचना है, तो पहुंच जाएंगे, नजदीक ही है तो वहां पर पहुंचेंगे। फिर वहां पर एक शूट है, उसके बाद में आफ्टरनून में फिर से एक रेस्टोरेंट है, वहां पर एक शूट है। तो आज का दोपहर तक तो काफी स्केड्यूल टाइट है और फिर देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। आई होप सब अच्छा ही होगा, फिंगर क्रॉस। फुल ऑन रेडी हो गई हूँ, मैंने हेलमेट भी पहन लिया है और फुल ऑन रेडी, जैकेट वैकेट पहन के, क्योंकि बारिश हो रहा है और ज़्यादा बारिश नहीं एकदम, लेकिन है हल्का हल्का है, बट आगे और लग सकता है क्योंकि कल रात से बहुत बारिश है ना कुणाल, रात से बहुत बारिश हो रही है। और अपना बाइक भी रेडी है निकलने के लिए, इसके अंदर कैमरा और सब सामान वगैरह रखा हुआ है, लगा दिया है यहाँ पर, और बाइक अभी रेडी है। बस अभी निकलते हैं जल्दी जल्दी और पहुँचते हैं। आई थिंक 10-15 मिनट बचे अभी, बट ठीक है थोड़ा लेट भी होगा तो भी चलेगा, बट हम लोग पहुँच ही जाएंगे ऑन टाइम। बस पानी नहीं भरा होना चाहिए रास्ते में, अब कल रात से बारिश चल रही है तो पता नहीं सकते कि पानी है कि नहीं, बट देखते यार ये लग रहा हो रहा है ये भी अच्छे से। स्कूटी लगा रहा अंदर, स्कूटी अंदर पार्क कर दे रहा है, भीग रहा ना इसलिए। पानी देखो यार कितना पानी भरा है उधर, एक्चुअली पूरा नहीं भरा, मतलब बीच बीच में जहाँ पे पैदल था ना वहाँ पर बहुत पानी भरा है, तो ये हम लोग गांव के अंदर अंदर से ही जा रहे हैं। बट अभी 10:30 का टाइमिंग उन्होंने दिया था, ऑलमोस्ट 11:15 हो गया है, बट अभी तक कैफ़े ही ओपन नहीं हुआ है, बंद है। अब पता नहीं ज़्यादा पानी की वजह से, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हुई ना रात में, तो बहुत जगह पर पानी भरा है इसलिए बंद है, खुलेगा नहीं खुलेगा पता नहीं। कॉल भी कर रही हूँ लेकिन कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कहीं जाए कैफ़े में, हम लोग चाय वाय पिए, अब इनका कॉल आएगा तो ठीक है, ना तो फिर अभी 12:30 बजे दूसरा शूट है तो वहाँ पर ही चले जाएंगे फिर हम लोग। चाय आ गई हमारी गर्मा गर्म और कैफ़े काफ़ी अच्छा है ये छोटू सा, और बाहर बहुत तेज़ बारिश चल रही है बहुत ज़्यादा, और अभी 12:30 का शूट है तो फटाफट अभी चाय पीते हैं और थोड़ी देर यहाँ पे वेट करेंगे, फिर 12:30 को निकलते हैं। किस साइड में पहन लिए, डबल प्रोडक्ट है ना, बड़ा है ना बहुत ज़्यादा, एक्चुअली मुझे लगा कैप की वजह से हो रहा है। नहीं उसको पहनना अच्छे से, पीछे कर उसको, हाँ दबा अभी आगे दबा, बस ओके। तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए और अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीग था लिटरली, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, बट पूरा हम लोग भीगे, जैकेट पहनने के बाद भी ना मेरा शर्ट पहना, अच्छा नहीं इसका है लेकिन पता नहीं मेरा जैकेट एक्सपायर्ड हो गया है, अभी मुझे नया लेना पड़ेगा। पैंट तो फुल ऑन पूरी भीग गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ पानी नीचे पूरा भीग गया, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ गया, बाल कितने बंदे लग रहे हैं, पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा और बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, मतलब इतनी तेज बारिश है ना, बाप रे बहुत हालत खराब हो गई। कैसे कैसे पहुंचे शूट पे, बस अभी यहाँ पे शूट खत्म करते हैं और फिर पता नहीं कितना, और आई थिंक 1.5-2 घंटा लगेगा ना शूट के लिए अपने को, 1.5-2 घंटे में निकल जाएंगे, पता नहीं मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं, पहुँच रही है कि नहीं, बट अभी जैसे भी आप लोग समझ लो, अभी एडजस्ट कर लो। तो अभी हम लोग अंदर आ गए और मैं थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ, बस अभी कुणाल भी थोड़ा सा सेटअप वगैरह कर रहा है कैमरा, सेटअप होने के बाद में फिर अभी तुरंत शूट स्टार्ट करेंगे हम लोग। ऑलमोस्ट 1:15 बज गए शायद ना, उन्हें एक हो गया और अभी फटाफट शूट ख़त्म करके हमें वापस घर पे भी जाना है क्योंकि हद से ज़्यादा बारिश हो रही है और पानी भर गया होगा हर जगह पर। ओके तो अभी शूट स्टार्ट कर दिया है हमने और अभी मेरा
काम आधा हो गया, आधा मतलब थोड़ा सा हो गया है, और अभी कुणाल कैमरा लेके जा रहा है और बी रोल्स लेगा अभी, और हमारा स्टार्टर यहाँ पर आ गया है, बट मैं खा नहीं सकती क्योंकि सब कुछ एक साथ आएगा ऑर्डर, और उसके बाद में फोटोज़ होंगे, फिर उसके बाद में वीडियोज़ होंगे, फिर बहुत सारी प्रोसेस होती है। एक्चुअली पता है जब फूड ब्लॉग बनाते हैं ना, तो जब लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है कि ना यार इतना खाते हैं इतना खाते हैं, लेकिन जो खाता ना उसी को पता रहता है कि कितना, मतलब एक एक बाइट भी अगर हर चीज़ का लेंगे ना तो भी पेट ऑलमोस्ट फुल हो जाता है, और फिर बाद में तो खाना जाता ही नहीं है। बट और कैसे ना ठंडा खाना खाना पड़ता है, मतलब देखो ना यार इतना मस्त चकना का प्लेटर आया हुआ है। ऑब्वियसली मैं अल्कोहल नहीं लेने वाली हूँ इसके साथ में, सिर्फ चकना का प्लेटर है, और इसके साथ में हम लोग मॉकटेल्स लेंगे, मतलब नॉन अल्कोहलिक रहेगा। बट अभी वो खा नहीं सकते हम लोग क्योंकि मुझे फोटोज लेने हैं, वीडियोज लेने हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, और सब एक साथ में होना चाहिए, मैं तो खाऊंगी तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर वीडियोज अच्छे नहीं आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे प्रोसेस रहता है, और यहाँ पर एक्चुअली कोई थर्ड पर्सन है नहीं जो व्लॉग के लिए, मतलब मेरा BTS मतलब बिहाइंड द सीन वीडियो निकाले, तो कंटिन्यूसली इतना बोली हूँ ना, और बाहर इतनी मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, तो आवाज़ भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बाहर बोल बोल के ना, अभी मेरे को बोलने को नहीं हो रहा है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे शूट ख़त्म करते हैं, अगर चांस मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, नहीं तो फिर आपको तो दूसरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, फूड ब्लॉग, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। अभी हम लोग आए एक्चुअली फार्म हाउस में, तो फार्म हाउस के एक्चुअली बहुत सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, बस विरार में, बोरीवली में भी है, और आई थिंक भाईंदर में भी है, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत सारे हैं, वैसे विरार में तो काफ़ी है। तो अभी हम लोग ताम तालाब के पास में जो फार्म हाउस है वहाँ पर आए हैं, तो इसका जो फूड व्लॉग प्रॉपर रहेगा वो इसी चैनल पर आएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद में आएगा, आई थिंक दो तीन दिन में आ जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना अगर आप वैसे विरार में रहते हो, तो यहाँ पर तो आना बनता ही है बॉस। तो बस यहाँ पर देख सकते हो अभी तो पूरा खाली पड़ा, इवनिंग के टाइम पर पूरा भरा हुआ रहता है, बाहर का भी काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पर। फूड ब्लॉग देखोगे तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, स्टाफ भी यहाँ का बहुत अच्छा है फार्म हाउस के, मैं अभी तक जितने अभी मतलब ना मैंने विजिट किया है, स्टाफ यहाँ के सब जगह बहुत अच्छे हैं। ओके तो अभी ये हम लोग शूट का थोड़ा चालू है, और ये अभी थोड़ा सा क्या होता है टचअप करी, खुद का टचअप करी, टचअप कर रही है। बाहर ना बारिश, देखो बारिश रुकने का कुछ नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, ये देख सकते हैं यहाँ से आवाज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ है, आवाज़ सुन सकते तो पता चलेगा आपको कितना ज़्यादा बारिश है यहाँ पे। ये तो शूट का हमारा जो सेकंड सेशन था वो भी ख़त्म हो चुका है, और कुणाल ने भी बहुत जोर से मुझे डांटा क्योंकि अभी मुझे जा नहीं रहा, मैं कुणाल बोल रहा मैं इतना खाऊंगा नहीं, और मैंने बोला कि मुझे जा नहीं रहा, तो बहुत जोर से डांटा उसने मुझे, और बोल रहा है कि तेरे को खाना पड़ेगा, मेरे को अकेले को बोलती है खाने के लिए, खुद नहीं खाना चाहिए, खा रही हूँ लेकिन अभी नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट ठीक है जितना जाएगा उतना खा लेंगे, अब क्या करें वेस्ट नहीं कर सकते खाना, बट अभी शूट के लिए थोड़ा सा तो ये करना पड़ता है। बाकी यहाँ पर हमने ये बॉम्बे राइस ऑर्डर किया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है यार, मैं फूड ब्लॉग में बताऊँगी आपको, अभी नहीं बताऊँगी, नहीं दिखाऊँगी मैं, फूड ब्लॉग देखना ज़रूर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या खाया है यहाँ पर। बस एक झलक दिखा देती हूँ आपको कि क्या क्या हमने खाया, तो देख के तो मन ललचा ही रहा होगा आप लोगों का। ओके तो अभी हम लोग यहाँ पर शूट ही कर रहे हैं, चालू ही है अभी, लास्ट एक मतलब सेशन बाकी है एक डिज़र्ट का, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और बाहर बारिश लिटरली बढ़ते जा रहा है, मतलब कम होने की जगह लिटरली बढ़ते जा रहा है, और इतनी ज़्यादा ऑलरेडी गिल्ले हो चुके, पता नहीं क्या है मेरे जैकेट के अंदर पानी जा रहा है, शायद चैन में से जा रहा है पता नहीं, मैं पूरी भीग चुकी हूँ, जैकेट पहनने के बाद भी सिर्फ मेरा सर बचा है क्योंकि मैंने हेलमेट पहना था, और इसलिए सर मेरा बचा, बाकी मैं पूरी भीग चुकी हूँ। अभी ठंडी लग रही है, और बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो रही है ना, और न्यूज़ देख रहे थे तो न्यूज़ में दिखा रहा है कि हर जगह पर ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में हर जगह पर इतनी बारिश चल रही है, मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कि ज़रूरत की बारिश, और हर जगह पर पानी भरा हुआ है, और कहाँ तो मैंने देखा एक मतलब फोर्ट है वहाँ पर ना रेस्क्यू कर रहे हैं, जो भी टूरिस्ट है ना उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा बारिश और नदी के जैसे से पानी बह रहा है,
बाप रे, मतलब कहीं जा भी नहीं सकते अभी, पता नहीं आज है अभी कल होगी नहीं होगी, क्योंकि अगर कल नहीं हुई या फिर आज के दिन में शाम तक अगर रुका तो जहाँ जहाँ पानी भराना वहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, बट लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल तो बाहर बहुत तेज़ हवा भी चल रही है और बारिश भी बहुत है, तो अभी यहाँ से बस थोड़ा सा बाकी है शूट, शूट ख़त्म करके फटाफट पैकअप कर लेंगे, सामान सब बिखरा पड़ा वो टेबल पर सामान रखा है, शूट के टाइम पे बस ऐसे ही होता है, हर जगह पे बस सामान वगैरह बिखरा पड़ा रहता है, फटाफट पैकअप करेंगे और बस निकलेंगे घर के लिए। ओके, तो अभी देख सकते हो फुल ऑन रेडी हो गया, फिर से पूरा जैकेट भीग गया है, बट ऐसे ही रेडी हो गए हम लोग, बस अभी निकलेंगे। बारिश बाहर चल रही है, चालू है कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा, और ये यहाँ पर हम लोगों को मिले थे दो दर्जन अच्छे, यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलो बाय, थैंक यू, बाय बाय बाय, थैंक यू। चलते हैं, 3:30 बज गए हैं दोपहर के, और हाँ आराम से चल, तू आराम से चल। मैंने देखो शूज पहने और लिटरली मेरे शूज के अंदर इतना पानी गया ना, मतलब पूरे शूज भीग गए, बट ये है कि शूज की वजह से थोड़ा ग्रिप मिल जाता है तो पैर कहीं फिसल उसल नहीं रहा है। और कुणाल चप्पल पहन के आया था, कुणाल बोला कि शूज़ के अंदर पानी चला जाता तो मैं नहीं पहनूंगा, और उसका पैर एक बार फिसल भी गया था, माय गॉड बेस बच गया ना तो गिर जाता। देख सकते यार काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये, काफ़ी बड़ा है ये रेस्टोरेंट, जो आपको व्लॉग में दिख जाएगा सारी डिटेल्स रेस्टोरेंट की। बस अभी निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है, आवाज सुन सकते हो आप लोग। पानी देखो रास्ते पे कितना भरा है, पानी नहीं था अपन आए थे, हम लोग जब आए थे ना तभी बिल्कुल भी पानी नहीं था, अभी यहाँ पर पानी देखो कितना है रास्ते पर, और ऑलमोस्ट हर जगह पर पानी भरा होगा। अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से, इतना ज़्यादा पानी भर चुका, मेरी तबीयत अभी इतनी ख़राब हो रही है ना, कुणाल को बोला मेरे को एकदम हालत ख़राब हो रही है, चक्कर आ रहा, और यहाँ तो पता था आए हम लोग आधे रास्ते में और वहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लग गया है, पानी भर गया है, लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी जाएगी नहीं करके, सब गाड़ियाँ वहाँ पर जाम होगी, अभी फिर से हम लोगों को जाना पड़ेगा पीछे, और अभी कैसे जाएंगे फिर यहाँ से। अभी देखते यार, पानी देखो ऐसा लग रहा है कोई नदी या झील बह रही है पूरा, ये कम से कम 6-7 फीट नीचे रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा उससे ये पूरा, और इतना पूरा पानी भर गया, जहाँ तक नज़र जा रही है ना वहाँ तक पूरा पानी भर गया। ओके, तो इतना ज़्यादा पानी है, अभी निकलेंगे आराम से, आप गहरा पानी है, मतलब पता नहीं कैमरा में दिखा भी कि नहीं, मैंने मोबाइल ऊपर पकड़ा था, बट पानी देखो यार यहाँ पे घुटने तक पानी है और पूरा गाड़ी अंदर जा रहा है। Oh।
अभी मोबाइल गिर जाता है। बारिश इतनी तेज हो रही है, पूरा पानी भरा। बाकी एडिटिंग वगैरह भी करनी है, तो डेट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो